अनिल विज ने युवा इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला पर साधा निशाना। चौटाला को नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर इलाज करवाने की सलाह दी। अनिल विज ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी जुबानी हमला बोला और उन्हें फेल लीडर करार दिया। सफेदों में जीन रोड पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव मृतक के परिवार को सौंपा। मृतक सुबह अपने घर से चिनाई का काम करने जा रहा था। गोहाना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज की बस ने कार को मारी टक्कर। कार में सवार तीन लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सोनीपत रोड पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बस ने कार को साइड में टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फतेहाबाद में बेरोजगारी से परेशान एक युवक ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने मृतक युवक का सुसाइड नोट बरामद किया। मृतक एक साल से नौकरी खोज रहा था और उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। गोहाना में ऑनलाइन ई पंचायत प्रणाली के विरोध में सरपंचों का धरना पांचवें दिन भी जारी। सरपंचों ने काली पट्टी बांधकर दिया धरना। मांगे नहीं मानने पर अपने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। धरने पर बैठे सरपंचों ने सस्पेंड किए गए सरपंचों को बहाल करने की मांग की। इस मौके पर सरपंचों ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक मंच पर सभी सरपंचों से माफी मांगने की मांग की। यमुनानगर के मंडावर गांव में शव मिलने से फैली सनसनी। खेत में मिला महिला का शव। महिला के गले में चुन्नी लिपटी थी। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ पशुओं का चारा लेने गई थी, लेकिन देर रात महिला के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसको तलाशना शुरू किया। फतेहाबाद पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। लोगों पर भारत बंद के दौरान टोहाना में तोड़फोड़ करने का आरोप। पुलिस ने दुकानदारों की शिकायत के आधार पर दर्ज किया केस।